शुभम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि पावन अधिक मास चल रहा है। अधिक मास के इस पावन महीने में और सावन के इस पवित्र माह में यदि आप भी महादेव की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी कृपा से आप अपने सभी दुख तकलीफ और कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो सावन की और अधिक मास की पहली पंचमी तिथि पर आप भी अपनी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। मात्र एक छोटी सी चीज यदि शिव मंदिर पर आप बांध देते हैं, शिवालय जाकर अपनी कामना कर एक चीज यदि आप शिव मंदिर में बांध देंगे, तो आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और महादेव के आशीर्वाद से, पूर्ण शिव परिवार के आशीर्वाद से इस सावन और अधिक मास के महासंयोग पर आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। जो व्यक्ति बहुत समय से परेशान चल रहा है, अनेकों उपायों और प्रयासों के बाद भी उनकी कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, अनेकों मंदिर और अनेकों जगहों पर जाने के बाद भी कामना यदि महादेव पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो अधिक मास की इस पंचमी तिथि पर आप भी इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। शिव मंदिर जाकर शिव मंदिर की चौखट पर आपको एक चीज बांध देनी है, जिससे कि आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और महादेव माता पार्वती के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का वास होगा। महादेव आपकी कामना को पूर्ण करेंगे और माता पार्वती माता लक्ष्मी स्वरूप आपके घर में स्थायी रूप से वास कर आपके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देंगी। पूजनीय पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय का वर्णन किया है। कोई भी व्यक्ति यदि सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ महादेव के मंदिर जाकर मंदिर की चौखट पर इस एक उपाय को कर लेगा, तो महादेव उसकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको इस उपाय को करना है और महादेव के आशीर्वाद से किस प्रकार से आपकी कामना पूर्ण होगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। आप में से कुछ लोग हमारी चैनल पर आते तो हैं, पूजनीय गुरु जी के उपाय भी देखते हैं, उन्हें अपनाते भी हैं, किंतु हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिस कारणवश उनको हमारे दूसरे वीडियोस नहीं मिल पाते हैं। तो यदि आप भी ऐसा करते हैं, तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा अगला जो भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको शिव मंदिर जाकर एक छोटी सी चीज को शिव मंदिर की चौखट पर बांध देना है। आप सभी जानते हैं, बहुत से लोग ये कामना भी करते हैं कि उनकी कोई मुराद होती है, कामना होती है, तो वो किसी भी मंदिर में धागा अवश्य ही बांधते हैं। और हमारे पूर्वज भी ऐसा कहते थे कि हम वृक्षों में भी धागा बांधते हैं। कई ऐसे व्रत भी आते हैं, या फिर जब हमारी कोई कामना रहती है और किसी भी वृक्ष या मंदिर में हम अपनी कामना के हेतु धागा बांध कर आते हैं। अब आपको क्या करना है, एक लाल कलावा लेना है आपको। आप सभी जानते हैं मोली या कलावा आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पूजा में जो हम प्रयोग करते हैं कलावे का, मोली का, वही लाल धागा आपको ले लेना है। लाल धागा नहीं है तो आप कोई भी सफेद धागे को कुमकुम में कर सकते हैं या फिर हल्दी में भी आप कर सकते हैं। उसे करने के बाद में क्या करना है, आपको उसे अपनी मनोकामना कहकर, जितनी भी आपकी मनोकामना है, आप उसमें गांठ लगा ले। गांठ लगाने के बाद क्या करना है, आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े धारण कर आपको शिवालय चले जाना है, यानी कि शिव मंदिर चले जाना है। वैसे तो आप दिन भर में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। जब हम पवित्र होते हैं सच्चे मन से और पूर्ण श्रद्धा के साथ, यदि आप शिव मंदिर जाएंगे और शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के समक्ष इस उपाय को करेंगे, तो महादेव और माता पार्वती और पूर्ण शिव परिवार की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उस धागे को, उस कलावे को आपको क्या करना है, शिव मंदिर के जो दरवाजा होता है, दरवाजे पर आपको बांध देना है। यदि दरवाजे पर जगह नहीं होती है, तो सीढ़ियों की रेलिंग पर आप बांध सकते हैं, या जहां पर भी आपको ऐसी जगह मिले वहां पर अपनी कामना कर, महादेव को प्रणाम कर, माता पार्वती को प्रणाम कर, अपने मन की कामना को सच्चे मन से आपको महादेव से कहना है और कम से कम 3 बार श्री शिव महापुराण कथा का, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र आपको महादेव के समक्ष कहना है। यदि आप वह नहीं कह सकते हैं तो भगवान शिव के किसी भी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। भगवान शिव के हर मंत्र में वह शक्ति है कि हमारे हर कष्ट को, दुख को, तकलीफ को वह दूर कर सके। तो आपको ऐसा करना है और ऐसा करने के बाद 5 से 10 मिनट मंदिर में बैठकर ही भगवान के नाम का स्मरण करना है, अपनी कामना कहना है और उसके बाद घर आ जाना है। आप देखेंगे कि अधिक मास और सावन पूर्ण होने से पूर्व ही महादेव आपकी उस कामना को पूर्ण कर देंगे, आपके उस कार्य को सफल बना देंगे जिस भी कामना हेतु आपने यह उपाय किया है। मैं आशा करती हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि उपाय हमारा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप तुरंत ही लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। धन्यवाद दर्शकों।